गुल्ली और शॉन अपने घर वापस जा रहे हैं, लेकिन इनकी स्कूटर का पेट्रोल रास्ते में खत्म हो गया है और इसलिए ये लोग स्कूटर को खींचते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। गुल्ली कहता है कि शॉन 2 किलोमीटर से हम लोग बस आगे चलते जा रहे हैं, यहाँ तो कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं और अभी हमें घर जाने के लिए 12 किलोमीटर और चलना है, अब बताओ क्या और कैसे किया जाए। शॉन कहता है कि गुल्ली वो देखो आगे लगता है कि कोई गांव है, चलो यहाँ किसी ना किसी के घर से हमें पेट्रोल मिल ही जाएगा। और शॉन तभी एक घर के दरवाजे पर जाकर नॉक करता है, लेकिन अरे लगता है कि इस घर में कोई नहीं है क्योंकि अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। शॉन कहता है कि इस घर में तो कोई भी नहीं है गुल्ली। गुल्ली कहता है कि तो वो सामने वाले दूसरे घर में जाकर देखो ना शॉन, साइड वाले एंगल से गुजरेगा कोई, शॉन दूसरे घर में जाकर नॉक करेगा और अरे यहां भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, कहीं ये पूरा गांव खाली तो नहीं है क्योंकि यहां आसपास में तो कोई भी नहीं दिख रहा। शॉन कहता है कि गुल्ली लगता है गांव पूरा खाली है, यहां तो कोई रहता ही नहीं है लगता है। और तभी गुल्ली को एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है उनकी तरफ और अरे ये गाड़ी तो गुल्ली के पास आकर ही रुक गई और गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर देखता है और इनसे कहता है कि तुम लोग क्या हमें बता सकते हो कि यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा, दरअसल हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। शॉन गुल्ली के पास आता है और उस गाड़ी वाले आदमी से कहता है कि हम भी तो पेट्रोल की वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं, हमारी स्कूटर का भी पेट्रोल खत्म हो गया है और हम तब से पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं। वो आदमी कहता है कि क्या नाम है तुम दोनों का। गुल्ली कहता है कि मैं गुल्ली हूँ और ये शॉन है मेरा जिगरी दोस्त। वो आदमी अपना नाम जैक बताता है। जैक इनसे कहता है कि मैं और मेरी दोस्त टीना हम मेरे दादाजी के घर जा रहे हैं और अब तो तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है और हमारा भी थोड़ी देर में ख़त्म ही हो जाएगा, तो मैं ये सोच रहा था कि हम चारों आज रात यहीं कैंपिंग करके बिता लेते हैं और सुबह हम किसी को मदद के लिए बुला लेंगे, मेरे पास खाने पीने का भी सारा सामान है। गुल्ली कहता है कि हमें मंजूर है जैक भाई, आओ चलो। और ये सभी लोग एक जगह पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। गुल्ली बुली जैक और टीना ये लोग जिस रास्ते से होकर जा रहे थे वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है, इस आसपास के एरिया से गुजरने वाले कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इसलिए इस पूरे एरिया में रहने वाले लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है और अब यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय उस खूनी दरिंदे के जिसका नाम है फ्रेडी, लेकिन ये चारों लोग ये बात नहीं जानते हैं। फ्रेडी ने इन सभी को देख लिया है, फ्रेडी को अब अपना नया शिकार मिल चुका है। इधर गुल्ली शॉन और जैक बैठे हुए हैं, तभी जैक कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको गुल्ली और शॉन, मैं जरा हल्का होकर आता हूं। और जैक एक घर के पीछे की ओर जाने लगता है। और अरे ये तो खूनी फ्रेडी यहीं पर दीवार के पीछे छिपा हुआ है। और अरे ये क्या, ये तो फ्रेडी ने जैक को मार के बेहोश कर दिया। अब क्या करने वाला है ये जैक के साथ, फ्रेडी जैक को कहीं पर लेकर जा रहा है, पता नहीं अब क्या होने वाला है जैक के साथ। और इधर टीना गुल्ली बुल्ली के पास आकर इनसे कुछ बात कर रही है। टीना कहती है कि हमारे आने से कितने देर पहले तुम लोग यहां पर पहुंचे थे गुल्ली और शॉन। शॉन कहता है कि तुम्हारे आने के 10 मिनट पहले ही हम यहां पर पहुंचे थे और यहां के आसपास के घर को हम नॉक कर रहे थे ताकि हमें कोई हेल्प कर सके, लेकिन फिर हमें पता चला यहां पर तो कोई रहता ही नहीं है। टीना कहती कि चलो कोई बात नहीं, सुबह होती हम लोग किसी को हेल्प के लिए बुला लेंगे। गुल्ली कहता है कि अच्छा तुम लोगों के दादा दादी यहाँ पर कहाँ रहते हैं, तुम कहाँ जा रहे थे। टीना कहती कि दरअसल वो मेरे दादा दादी नहीं हैं,
वो जैक के दादा दादी के घर जा रहे थे हम लोग। यहाँ से करीबन 25 किलोमीटर दूर है उसके दादा दादी का घर। शॉन कहता है कि गुल्ली मुझे भी अपने मामा घर जाना है, मुझे बहुत याद आ रही है मेरी नानी की। गुल्ली कहता है कि अभी एक हफ्ते पहले ही तो तुम वहाँ से लौटे हो, इतनी जल्दी तुम्हें अपने नानी के घर जाना है। शॉन कहता है कि गुल्ली शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी नानी कितने अच्छे गुलाब जामुन बनाती हैं, ऐसे गुलाब जामुन तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। अगर तुम मेरे मामा घर चलोगे तो मैं तुम्हें अपने नानी के बनाए हुए गुलाब जामुन ज़रूर खिलाऊंगा, और तब तुम मेरे नानी के घर हमेशा जाना चाहोगे। टीना कहती कि शॉन तुम मेरे लिए भी वो गुलाब जामुन लाओगे ना? शॉन कहता है कि बिल्कुल टीना, तुम चिंता मत करो। टीना कहती है कि वैसे जैक को गए हुए बहुत टाइम हो गया है गुल्ली, पता नहीं कहाँ रह गया वो, क्या तुम दोनों उसे लेकर वापस आओगे? मुझे बहुत घबराहट हो रही है उसके लिए। शॉन कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो टीना। गुल्ली कहता है कि मैं अभी जाकर देखता हूँ। चलो शॉन, जैक को ढूंढ कर लाते हैं, सच में काफ़ी टाइम हो गया है। और गुल्ली और शॉन वहाँ से जाने लगते हैं, और ये लोग वहीं पहुँच आते हैं जहाँ से जैक गायब हुआ था। शॉन कहता है कि यहाँ पर तो कुछ खून के धब्बे दिख रहे हैं गुल्ली। तभी गुल्ली को उस फ्रेडी की तलवार दिखाई देती है नीचे। गुल्ली कहता है कि जैक पर किसी ने हमला किया था शॉन, ये देखो उसकी तलवार यहीं पर रह गई है, पता नहीं उसने क्या किया होगा जैक के साथ, हमें उसका पीछा करना होगा। और शॉन और गुल्ली जैक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और इधर फ्रेडी ने जैक को अपने हाथ से उठा लिया है, और जैक को भी अब होश आ चुका है। और अरे, ये तो फ्रेडी ने जैक को मार डाला। और ये सब गुल्ली और शॉन पीछे से देख लेते हैं, इनकी आंखों के सामने इस फ्रेडी ने जैक को मार दिया है। तो दोस्तों, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? गुल्ली और शॉन ये देखकर वहां से भागने लगते हैं, और फ्रेडी इन लोगों के पीछे जाने लगता है। गुल्ली और शॉन को जल्दी से जल्दी कहीं पर छुपना होगा, नहीं तो अगर ये फ्रेडी के हाथ लग गए तो फ्रेडी इन लोगों को भी जैक के जैसे मार डालेगा। और गुल्ली और शॉन भागते हुए एक घर के अंदर चले जाते हैं, और अरे, फ्रेडी भी अब इस घर की तरफ ही आ रहा है। फ्रेडी वहां पर पहुंचकर सोच रहा है कि वो दोनों आखिर गए तो गए कहां, और अरे, ये तो फ्रेडी भी इस घर के अंदर चला गया। अब ना जाने क्या होगा गुल्ली और शॉन के साथ। और गुल्ली और शॉन घर में आकर एक दीवार के किनारे छुप जाते हैं। गुल्ली कहता है कि शॉन, अब मैं समझा कि इस गांव में कोई क्यों नहीं रहता है, यहाँ इस राक्षस का राज चलता है, और इसी के डर की वजह से यहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता, और यहाँ के लोग अपना घर छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। शॉन कहता है कि एकदम सही कहा तुमने गुल्ली, लेकिन गुल्ली मुझे जैक के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत गलत किया इस राक्षस ने जैक के साथ। बेचारे जैक की तो कोई गलती भी नहीं थी, वो तो बस हल्का होने गया था। गुल्ली कहता है कि इसका बदला हम उससे ज़रूर लेंगे शॉन, चिंता मत करो तुम। और अरे, ये तो इधर फ्रेडी भी इस घर में आ चुका है। फ्रेडी बिल्कुल तैयार है शॉन और गुल्ली को मारने के लिए, और इधर गुल्ली और शॉन को बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। अगर फ्रेडी को इनके होने का एहसास हो गया तो आज इनकी खैर नहीं। और तभी गुल्ली फ्रेडी को मारकर गड्ढे में गिरा देता है। शॉन कहता है कि बहुत अच्छे गुल्ली, चलो अब निकलते हैं इस घर से। और ये लोग भागते हुए सीधा टीना के पास आते हैं। टीना इन लोगों को देखकर इनसे कहती है कि गुल्ली और शॉन, क्या तुम्हें जैक कहीं दिखाई दिया? और तुम लोग भी काफी देर बाद आए हो, क्या तुम्हें मिला वो? शॉन कहता है कि टीना, अब हमें पता चल गया है कि इस गांव में कोई क्यों नहीं रहता है। टीना कहती कि तुम कहना क्या चाहते हो शॉन? गुल्ली कहता है कि टीना यहाँ एक खूनी रहता है, और वो यहाँ रहने वाले लोगों को मार देता है, इसलिए सब लोग इन घरों को छोड़कर यहां से जा चुके हैं। टीना कहती कि क्या गुल्ली, इसका मतलब? शॉन कहता है कि हाँ टीना, जैक भी मारा गया है। टीना यह सुनकर रोने लग जाती है। गुल्ली कहता है कि टीना हिम्मत रखो, फिलहाल तो हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा।
शॉन कहता है कि थोड़ा पेट्रोल तो होगा ही तुम्हारी कार में टीना, तो हम इसी से यहाँ से निकल चलते हैं। और ये लोग उस कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। और उस जगह से 5 किलोमीटर दूर आने के बाद ही इन लोगों की गाड़ी दोबारा बंद हो जाती है और अब जाके इनका पेट्रोल खत्म हो चुका है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि कम से कम ये लोग उस गांव से बाहर निकल आए। अब लगता है इन लोगों को कोई भी खतरा नहीं है फ्रेडी से। और ये लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। गुल्ली कहता है कि ये मुझे थोड़ी सही जगह लग रही है शॉन, यहाँ शायद वो फ्रेडी नहीं आ पाएगा। हम लोग लगभग 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अगर ये कार नहीं होती तो पता नहीं अभी तक हम वहीं पर रहते। टीना कहती कि अब क्या करना है गुल्ली, अब कहाँ चलेंगे हम लोग। गुल्ली कहता है कि अब हमें या तो कहीं से कोई पेट्रोल मिल जाए या फिर कोई इंसान मिल जाए जिससे हम मदद मांग सकें। अगर कहीं से मुझे कोई फोन मिल जाए तो मैं बाबा या फिर बुल्ली को यहाँ पर बुला सकूंगा। टीना कहती कि ये लोग क्या तुम्हारे दोस्त हैं गुल्ली। गुल्ली कहते कि हाँ टीना, मेरे दोस्त बुल्ली और हम सबके सबसे अच्छे दोस्त हमारे बाबा। बाबा हमें हर मुसीबत से बचा लेते हैं। शॉन कहते कि गुल्ली और टीना, फिलहाल तो हमें यहाँ पर किसी को ढूंढना चाहिए। लेकिन गुल्ली, टीना और शॉन को ये नहीं पता कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये लोग फ्रेडी से भले दूर आ चुके हैं लेकिन अब वो माइकल मायर्स के एरिया में आ गए हैं। माइकल एक खूनी दरिंदा है जो लोगों को मार करके उनकी किडनीज निकाल लेता है। इधर गुल्ली, शॉन और टीना आसपास में पेट्रोल ढूंढने लगते हैं। शॉन कहता है कि चलो इन सीढ़ियों से वहां ऊपर चलते हैं गुल्ली। टीना कहती है कि लेकिन वहां ढूंढने से पहले उस घर में हमें देख लेना चाहिए था। गुल्ली कहता है कि चलो कोई बात नहीं टीना, यहाँ ऊपर ही देख लेते हैं। और ये तीनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। और अरे ये तो इधर फ्रेडी, गुल्ली और शॉन की स्कूटर लेकर यहाँ पर आ रहा है और फ्रेडी इनकी कार को देखकर वहीं पर रुक जाता है। लेकिन इनकी स्कूटर का पेट्रोल तो खत्म हो गया था। अरे ये तो फ्रेडी के पास पेट्रोल का डब्बा है, लगता है पहले इसने पेट्रोल भरा गाड़ी में और फिर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया। और फ्रेडी फिर नीचे उतरकर उस घर के पास जाता है। अब ये गुल्ली, शॉन और टीना को ढूंढना शुरू करने वाला है और तभी वहां उस घर के पीछे से माइकल सामने आता है। और माइकल फ्रेडी को देख लेता है। और शायद आपको ये पता नहीं हो लेकिन फ्रेडी और माइकल बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इधर गुल्ली, शॉन और टीना ये ऊपर से इन दोनों को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब तो इनकी जान के पीछे दो दो दुश्मन हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा आगे की स्टोरी में, क्या गुल्ली, शॉन और टीना यहाँ से बचकर निकल पाएंगे? गुल्ली, शॉन और टीना इन दो दो खूनियों को अपने सामने देखकर एकदम डर चुके हैं। टीना कहती है कि इसने ही जैक को मारा था ना गुल्ली, जो अभी अभी स्कूटर से आया है, मुझे बदला लेना है इससे। गुल्ली कहता है कि अभी सबसे पहले तो हमें यहाँ से पीछे हटना होगा, अगर इनकी नज़र हम पर पड़ गई तो हमारी खैर नहीं। और ये तीनों वहीं के एक घर के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आपको गुल्ली बुल्ली पसंद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप गुल्ली बुल्ली रनर गेम को डाउनलोड कर सकते हो। गुल्ली बुल्ली रनर गेम एक बहुत ही मजेदार गेम है जिसके अंदर आप गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों के साथ खेल सकते हैं। इस गेम के अंदर आपको बहुत से चैलेंजेस मिलेंगे और आपको उन चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना होगा। ये गेम बहुत ही मजेदार है, अगर आप गुल्ली बुल्ली को पसंद करते हैं तो ये गेम आपको बहुत पसंद आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड जरूर करें। चलिए अब आगे की वीडियो देखते हैं। और इधर माइकल फ्रेडी से कहता है कि तुम मेरे एरिया में क्यों आए हो फ्रेडी, सब ठीक तो है ना? फ्रेडी कहता है कि देखो माइकल, मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ आने का, लेकिन मेरे 2-3 शिकार यहाँ पर भाग कर आ गए हैं। ये देखो इसी गाड़ी से आए हैं वो लोग, लगता है उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया है और वो लोग अभी पेट्रोल की तलाश कर रहे होंगे यहाँ पर। माइकल कहता है कि फ्रेडी मैं चाहता हूँ कि उनमें से एक शिकार तुम मुझे दे दो। फ्रेडी कहता है कि नहीं माइकल, वो तीनों मेरे शिकार हैं, मैं उनमें से एक भी तुम्हें नहीं दूंगा। माइकल कहता है कि अगर ऐसा नहीं किया तुमने तो मुझे तुमसे लड़ना ही होगा फ्रेडी।
फ्रेडी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम ले सकते हो उनमें से एक को, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उनको ढूंढने में। फ्रेडी और माइकल सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ जाते हैं। फ्रेडी कहता है कि तुम उधर जाकर देखो माइकल, मैं इस घर के अंदर देखता हूँ, और माइकल वहाँ से आगे जाने लगता है। और अब फ्रेडी इस घर के अंदर जा रहा है, लेकिन अरे गुल्ली शॉन और टीना तो इसी घर के अंदर गए थे ना, लेकिन अरे फ्रेडी को तो इस घर के अंदर कोई नहीं दिखाई दे रहा। और फ्रेडी फिर वापस चला जाता है, और अरे ये तीनों तो उस घर के पीछे के रास्ते से बाहर निकल आए थे, अच्छा हुआ कि फ्रेडी ने इन लोगों को अंदर देखा नहीं। लेकिन इधर तो माइकल गुल्ली शॉन और टीना की तरफ ही जा रहा है। शॉन कहता है कि गुल्ली वो देखो, ये दरिंदा माइकल यहाँ भी आ गया है। गुल्ली कहता है कि शॉन अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। और तभी वहाँ बाबा बादल के साथ आ जाते हैं, और बादल माइकल को मार के पीछे गिरा देता है। और बाबा कहते हैं कि गुल्ली तुम सब लोग बादल पर बैठ जाओ, बादल तुम्हें सही सलामत पहुँचा देगा तुम्हारे घर। गुल्ली कहता है कि बाबा हमें आपके साथ ही चलना है। बाबा कहते हैं कि ठीक है तब थोड़ी देर रुक जाओ गुल्ली, और बाबा बादल पर से नीचे उतर आते हैं। माइकल बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां फ्रेडी भी आ जाता है। फ्रेडी बाबा को देखकर एकदम गुस्सा हो जाता है। फ्रेडी कूद कर गुल्ली शॉन और टीना के पास आ जाता है, और फ्रेडी शॉन और टीना को पकड़कर कुएं में कूद जाता है। और लगता है ये कुआं काफी अजीब है, कहीं ये दूसरी दुनिया का दरवाजा तो नहीं। ये देखकर गुल्ली एकदम डर जाता है। गुल्ली कहता है कि बाबा ये तो शॉन और टीना को लेकर कूद गया इस कुएं में। बाबा कहते हैं कि ये पक्का दूसरी दुनिया के अंदर ले गया है उन दोनों को गुल्ली, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब हमें भी उसके पीछे पीछे दूसरी दुनिया में जाना होगा। बाबा कहते हैं कि ये कुआं सिर्फ उसको ही लेकर जा सकता है दूसरी दुनिया में गुल्ली, इस रास्ते से हम नहीं जा सकते हैं वहाँ, हमें कोई और रास्ते से जाना होगा दूसरी दुनिया में। गुल्ली कहता है कि बाबा इस कुएं से हम क्यों नहीं जा सकते हैं, आखिर वो इधर से ही तो कूद कर गया है। बाबा कहते हैं कि एक बार जाओ देखो उस कुएं के अंदर गुल्ली, और गुल्ली उस कुएं के अंदर झांकता है, और उस कुएं के अंदर बहुत सारा लावा भरा होता है। बाबा कहते हैं कि ये लावा दूसरी दुनिया में हमें जाने नहीं देगा, पल भर में ही हम राफ हो जाएंगे। बाबा माइकल के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा कहाँ है। माइकल को सब कुछ बताना ही होगा, नहीं तो बाबा उसको मार डालेंगे। और माइकल बाबा को सब कुछ बता देता है। बाबा कहते हैं कि गुल्ली मुझे रास्ता पता चल गया है, तुम चलो बादल पर बैठ जाओ, और तुम माइकल तुम्हें तो वहाँ से वापस आने के बाद देखूँगा मैं। और बाबा और गुल्ली वहाँ से दूसरी दुनिया का दरवाज़ा ढूंढने निकल जाते हैं। इधर बाबा उस जगह पहुंच चुके हैं जहां उन्हें दूसरी दुनिया का दरवाजा मिलेगा। और बाबा और गुल्ली बादल पर से नीचे उतर आते हैं। बाबा कहते कि माइकल ने कहा था वो दरवाजा एक बड़े से पेड़ के अंदर है। गुल्ली कहता कि वो रहा एक बड़ा सा पेड़ बाबा। और ये दोनों उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा इस पेड़ से हम जाएंगे कैसे दूसरी दुनिया में, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि उस पेड़ की रक्षा करते हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बाबा ये तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तुम चिंता मत करो गुल्ली, मैं अभी करता हूँ कुछ। अली बाबा ये तो लौद है, लौद यहाँ पर ला जाओ। आओ बुल्ली, चलते हैं गुल्ली और बाबा के पास।
और बुल्ली और ऑड बाबा और गुल्ली के पास आ जाते हैं। नमस्ते बाबा। तुम ठीक तो हो ना गुल्ली? मैं कैसे भी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ। शॉन कहाँ है गुल्ली? रॉड, हमें शॉन को बचाना होगा। फ्रेडी शॉन को दूसरी दुनिया में लेकर चला गया है। हमें इस ब्रिज को पार करना है पहले। पूरी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो जल्दी। पहले मैं जाता हूँ रॉड, फिर तुम सब आना। चलो अब तुम आ जाओ गुल्ली। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बुल्ली, तुम ये कर सकते हो। चलो आओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब तुम आ जाओ गुल्ली। बाबा मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बुल्ली को भी तो डर लग रहा था ना गुल्ली, तुम भी आ जाओगे इधर, चलो जल्दी करो। बाबा बाबा अब मैं आता हूँ। लेकिन तभी उन तीनों मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर उस बर्फ को तोड़ देता है। रॉड जल्दी से आ जाओ इधर। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनको मारने जाएं। तभी बाबा वहां एक बड़े से पत्थर से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। बाबा ये तो इस पत्थर से ब्लास्ट ही हो गया। हा हा हा। चलो अब हमें इस पेड़ के पास से दूसरी दुनिया में भी जाना है। और गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड उस पेड़ के पास आ जाते हैं। लेकिन बाबा यहाँ तो कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा है ही नहीं। बाबा मुझे पता है दूसरी दुनिया में कैसे जाना है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। और तभी उस पेड़ के पास में दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। गुल्ली बुल्ली और रॉड, तुम तीनों मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और बाबा, गुल्ली बुल्ली और रॉड दूसरी दुनिया के दरवाजे के अंदर कूद जाते हैं। और ये लोग दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं। हमें जल्दी से फ्रेडी को ढूंढकर शॉन को बचाना होगा। रॉड बाबा वो देखिए, वहां तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। ड्रैगन? अले बापले, मुझे ड्रैगन से बहुत डर लगता है। चुप हो जाओ गुल्ली, नहीं तो वो हमें सुन लेगा। चलो मेरे साथ। और ये लोग एक पत्थर के पास जाकर उस ड्रैगन को देखने लगते हैं। तभी इन लोगों को एक घर के अंदर से फ्रेडी बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। और फ्रेडी ने शॉन और टीना को उल्टा लटका रखा था। बाबा उसने तो शॉन को उल्टा लटका दिया है। लगता है ये शॉन और इस लड़की टीना को ड्रैगन को खिलाने जा रहा है रॉड। और तभी फ्रेडी गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड को देख लेता है। तुम लोग मेरी दुनिया में कैसे आ गए? फ्रेडी तुम ठीक तरीके से शॉन और टीना को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा, तुम लोग मारोगे मुझे। फ्रेडी तुम्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी बाबा अपनी पावर से उस ड्रैगन के ठीक ऊपर एक पोर्टल खोल देते हैं। अब ये तुम्हारा ड्रैगन इस कवच से बाहर नहीं निकल सकता है। और अगर निकल भी गया तो उसके सर के ऊपर का पोर्टल उसको अपने अंदर खींच लेगा। बाबा आपका तो जवाब नहीं। बाबा इसको तो मैं देखता हूँ। हाँ
और बाबा जाकर उस फ्रेडी पर एक जोरदार वार करते हैं और फ्रेडी बर्फ के साथ साथ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और तभी वो ड्रैगन उस शील्ड को तोड़ देता है। अब तो गया ये। और तभी वो पोर्टल उस ड्रैगन को अपने अंदर खींच लेता है। और ये लोग शॉन और टीना को बचा लेते हैं और वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? और इस वीडियो में ये जो ड्रैगन था वो कौन से कलर का था, नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नई गुल्ली बुल्ली की वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।